अभी जैसे अंबानी की शादी भी जस्ट डिस्कसिंग टुडे बाय द वे हैपेंस विद द वेडिंग्स हैव स्टार्टेड टुडे उसी पे कुछ अभी शाम तक आपको 100 जोक्स आ जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे जी यू नो एंड फनी जोक्स वेरी फनी जोक्स रिटन बाय रैंडम पीपल सम रिटन बाय अस आल्सो जैसे अभी अंबानी की वेडिंग चल रही है अभी आज पूरा ट्विटर और सब उस पे ट्रेंड है मंडे को सब भूल जाएंगे तो नया टॉपिक आ जाएगा आई जनरली बिलीव मोदी जी इज अ वेरी फनी पर्सन ही सीन लाइफ हिज आई रियली रिस्पेक्ट हिम लेकिन जो मोदी जी के भक्त है ना वो अगर बाहर उनसे निकले ना तब मोदी जी हंसेंगे आजकल कॉमेडियंस फ्रीली बात नहीं कर सकते हैं अभी अगर उसमें आप लोग ऑफेंड हो जाते हैं आपका प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम नहीं है कॉमेडी इन जोक्स देयर आर नो लाइंस इफ यू आस्क मी यू कैन जोक अबाउट एनीथिंग दैट्स द फर्स्ट फंडामेंटल रूल ऑफ कॉमेडी यू कैन जोक अबाउट एनीथिंग यू कैन जोक अबाउट रिलीजन इट्स एन एडल्ट आर्ट फॉर्म ये जो ट्रोल्स बोलते हैं They are faceless, nameless people who are just trolling. They will go to your mother, your father, your child. They will go everywhere and they will attack you. जब लोग खुद पे हंसना शुरू करेंगे ना, then they will appreciate humor. हमारे साथ हैं कॉमिक अतुल खत्री जी. सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एज के बढ़ने के साथ अक्सर लोगों का जो रुझान है वो आध्यात्म की तरफ भक्ति की तरफ बढ़ता है आपका कॉमिक की तरफ कैसे बढ़ा फॉर मी आई थिंक कॉमेडी इज भक्ति यू नो मेकिंग पीपल लाफ उनको हंसाना एक बहुत जन के पास नहीं होता है रोलाना बहुत ईजी होता है बट हंसाना बहुत डिफिकल्ट होता है तो आई थिंक आई हैव मोस्ट कॉमेडियंस हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ अ पावर जो लोगों को हंसा सके जी बिकॉज यू नो हंसना बहुत जरूरी है आज के जमाने में जी तो आप इस रास्ते से पुण्य कमा रहे हैं हाँ जी आई थिंक पुण्य कमा रहा हूँ आज ही मैं कल एक शो कर रहा था और मुझे एक आदमी जो ऑडियंस में था मुझे आज के बाद में बोला कि मैं लास्ट 8 महीने से मैं हंसा नहीं था आई थॉट कि मैं हंसना भूल गया था एंड आई थिंक 8 महीने के बाद थैंक्स टू यू आज मैंने हंसाया एंड आई थॉट आई हैड लॉस्ट द पावर टू लाफ और आज मुझे वापस मिल गया है कॉमेडियंस शुड नॉट प्रेज देमसेल्फ इट्स अ आई थिंक अ गॉड गिफ्टेड टैलेंट एंड वी आर जस्ट हेल्पिंग टू मेक द वर्ल्ड लाफ मैं आपकी बात से इसलिए कनेक्ट कर पा रही हूँ कि मैं भी दिन भर में अगर हंसू ना हाँ. तो मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं कमाया एवरीबॉडी शुड लाफ हाँ जी जी सो मुझे बताइए कि आज कॉमिक का जो सिनेरियो है बहुत चेंज हो गया है पिछले एक डेकेड में क्या कुछ चैलेंजेस आपको फील हुए या क्या कुछ बदलाव आपको फील हुआ चैलेंजेस तो है क्योंकि आजकल कॉमेडियंस फ्रीली बात नहीं कर सकते हैं ओके और ये खाली इंडिया में नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड है एक्सेप्टिंग आई थिंक अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को छोड़ के काफ़ी कुछ आजकल लोग क्या बहुत ज़्यादा जल्दी अफेंड हो जाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं हम कॉमेडियंस हैं हमारा जॉब है टू मेक पीपल लाफ हम कोई एजेंडा से नहीं आते हैं कॉमेडियन सुबह को उठ के सोचते नहीं है कि मुझे इस पे जोक करना है इस रिलीजन पे इस कम्युनिटी पे इस कास्ट पे इस पॉलिटिशियन पे नहीं नहीं आर ओनली इंटेंशन के लोग हंसे अभी अगर उसमें आप लोग ऑफेंड हो जाते हैं आपका प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम नहीं है वो बिल्कुल सही तो जैसे आपने वैसे तो हम बात हंसने हंसाने की कर रहे थे लेकिन आपने एक बहुत सीरियस नब्ज छेड़ी हाँ. कि आज का कॉमिक जो है वो बहुत खुलकर बात नहीं कर सकता तो ये जो इंटॉलरेंस पैदा हुआ है ऑडियंस के अंदर ये किस वजह से है बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन अभी आज के पास क्या पहले क्या था मैं यंग था अगर सपोज आई वॉज ऑफेंडेड एट कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला तो प्रोसीजर टू जस्ट गिव माय पॉइंट अक्रॉस बहुत डिफिकल्ट होता था अभी एक सोशल मीडिया है आपके फॉलोअर्स हैं यू नो लोग देख रहे हैं सेलिब्रिटी है लाइव यू नो पहले आपको अगर मिस्टर अमिताभ बच्चन को मिलना होता तो आप मुझे कुड नॉट बी पॉसिबल अगर आप इंदौर में हैं आपको बॉम्बे आना पड़ता है उनके घर के बाहर खड़े रहना पड़ता पता नहीं कब आए देखे कब आपको अभी मिस्टर बच्चन लाइव है इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे आप मारो पत्थर उन पे जो मांगता है जो मर्जी पे आई थिंक द फोन हैज द टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड इट आजकल आप देखा है हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में झगड़े होते हैं आइदर ऑन पॉलिटिकल और रिलीजन आइडियोलॉजी यू नो वो नहीं होता था पहले सो आई थिंक दैट इज अ सोशल मीडिया हैज इट्स बोन्स बट इट आल्सो हैज इट्स बेन यू नो तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक दैट इज वन ऑफ द आई थिंक पर्सनली दैट इज वन ऑफ द रीजंस यू नो ठीक है तो एक तो आपने बात कही कि बोलने का जो आजादी है वो उतनी नहीं है पर फिर भी एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कभी भी मुझे लगता है कि आप अगर कॉमिक भी हैं या कॉमेडी भी कर रहे हैं तो एक लाइन होनी चाहिए पर कई बार हम देखते हैं कि स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है इसकी लिबर्टी कॉमिक लेता है आप इसे कितना सही फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू इन कॉमेडी इन जोक्स देयर आर नो लाइंस इफ यू आस्क मी यू कैन जोक अबाउट एनीथिंग दैट्स द फर्स्ट फंडामेंटल रूल ऑफ कॉमेडी यू कैन जोक अबाउट एनीथिंग यू कैन जोक अबाउट रिलीजन यू कैन एज लॉन्ग एज यू राइट प्रॉपर जोक खाली क्या बोलते हैं ना उसको ट्रिगर करने के लिए आप जोक मत लिखो आप लोग जोक लिखो विद द इंटेंशन टू मेक पीपल लाफ व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट इन दीस सेंसिटिव टॉपिक्स एज लॉन्ग एज लैंग्वेज इज कंसर्नड See, you may not like that language personally, but there are a lot of young kids who are okay with that language, you know. Like using bad language is not necessarily a means to make people laugh.
10 साल पहले जब कॉमेडी शुरू हुआ था, अगर आप स्टेज पे बैड वर्ड बोलो लोग हंसते थे, दे शुड गेट एस्टोनिश्ड, अरे बैड वर्ड बोल रहा है स्टेज पे सबके सामने. नाउ पीपल डोंट लाफ एट दैट, पीपल लाफ एट द जोक. सो अ लॉट ऑफ आई हैव सीन कॉमेडियंस हु यूज बैड वर्ड्स जस्ट एज अ क्रच, वो नहीं चलते. यू हैव टू हैव अ जोक आफ्टर इट, यू नो. सो फाइनली इवन इन लैंग्वेज और यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स एन एडल्ट आर्ट फॉर्म. लोग 10 साल के बच्चे को अगर कॉमेडी शो में लेके आए और अगर वो कुछ बातें कर रहा है, ये आपकी गलती है. आप बच्चों को, 10 साल का बच्चा पुअर गाय इज गेटिंग बोर्ड, उसको घर पे आप टीवी दिखाओ, उसको यू नो पोकेमॉन खिलाओ, जो भी कार्टून नेटवर्क दिखाओ, ये मत दिखाओ, दिस इज नॉट फॉर हिम. व्हेन अ चाइल्ड बिकम 16 18 आई थिंक 16 इज द राइट एज वेयर पीपल शुड बी एक्सपोज टू कॉमेडी इफ दे वांट टू, दैट इज ओके. सो मैं अगर बात करूं तो मैं जब बड़ी हो रही थी तब राजू श्रीवास्तव जो थे वो छाए हुए थे. एब्सोल्युटली. पर मैंने उन्हें कभी कॉमेडी में इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हुए नहीं देखा और उसके बावजूद भी हम फैमिली के साथ बैठकर हंस पाते थे. राजू श्रीवास्तव, जॉनी लीवर, आई लुक अप टू देम, यू नो दे आर माय आइडल्स. बिकॉज़ व्हेन आई ग्रू अप आल्सो जॉनी लीवर सर वाज डूइंग कॉमेडी. देयर कॉमेडी वाज मोर मिमिक्री. Okay, they never spoke about social subjects, about marriage, about politics, you know. They stayed away from that because that was their genre. I cannot imitate Mr. Amitabh Bachchan. I am not a mimic. So there are two different art forms. There was mimicry, that was this. But there have been political satirists. Okay, there was Behram contractor in Mumbai. He was known as Busy Bee. Kafi political satirists hai. Marathi mein, there was Mr. Pula Deshpande. If you Google him. Is a very big Marathi satire. See, that back then they should talk about politics, talk against the government, talk about satire. So everybody has its own specialization of comedy, you know. Bilkul. But I cannot generalize and say that wo alag time tha, ab ek alag time hai. Abhi kya hai na, that ye comedy industry ko India mein kareeb 10-11 saal ho gaye hain. ओके अभी बड़े बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है. इन अमेरिका इट्स 100 इयर्स ओल्ड द इंडस्ट्री. वहाँ हर एक स्कूल कॉलेजेस में दे एक्सपोज टू कॉमेडी. हर एक स्कूल में 8th ग्रेड पे दे हैव कॉमेडी ओपन माइक्स. एनीबॉडी इज अलाउड टू कम एंड स्पीक ऑन व्हाट एवर टॉपिक दे वांट टू, यू नो. ये कल्चर आएगा, यू नो. आपके हमारे आई फील आई ऑलवेज से व्हेन आई गो टू एनी IIT IIM टू परफॉर्म एनी ऑफ दिस इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस, आई सेड यू शुड फॉर्म दिस पॉलिसी ऑफ गोइंग अप ऑन स्टेज एंड लेट पीपल स्पीक व्हाट दे वांट टू, यू नो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेट द वॉइसेस कम आउट. जी, आपकी कॉमेडी में सिंधियों को इतना विशेष प्यार क्यों मिलता है? मैं सिंधी हूँ तो मैं I was सिंधी myself, so I love my community. And again these are all jokes. इसमें कोई किसका इंटेंशन नहीं है किसको हर्ट करना, किसको ये है. एंड जब लोग खुद पे हंसना शुरू करेंगे ना, देन दे विल अप्रिशिएट ह्यूमर, यू नो. वेरी ट्रू. अच्छा, जब आप मैरिड लोगों पे कॉमेडी करते हैं तो आपके घर से क्या रिएक्शन आता है? कुछ नहीं, माय वाइफ बोलती है एज लॉन्ग एज यू गेट द मनी होम मेक जोक्स ऑन मी. बहुत सिंपल रूल है. सो दैट्स हाउ इट शुड बी, यू नो. सो आई गेट दिस अ लॉट. एंड दूसरा क्या है, मेरे वाइफ के साथ जब मैं उसको कुछ जोक्स सुनाता हूँ, बिफोर यू गो ऑन स्टेज यू रन थ्रू द जोक्स विथ योर फैमिली. तो अगर मैं वाइफ को कुछ जोक्स सुनाता हूँ एंड इफ शी टेल्स मी इट्स अ हॉरिबल जोक, इट डज द बेस्ट ऑन स्टेज. सो दैट्स अनदर पार्ट ऑफ मैरिज, जो उल्टा चलता है ऑलवेज. जी, तो अपनी ऑडियंस की चॉइस को समझने के लिए आपके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी गुड क्वेश्चन. जैसे मैं कभी भी कोई कॉमेडी शो पे जाता हूँ तो फर्स्ट आई गो अर्लियर टू सी द क्राउड. इफ इट्स अ वेरी यंग क्राउड, इज ऑल सपोज कॉलेज स्टूडेंट्स, देन आई विल नॉट टॉक अ लॉट अबाउट मैरिज. सो मेरे पास विश्वास ही उठ जाएगा. हाँ, विश्वास भी उठ जाएगा. एंड दे'ल बी गेट बोर्ड, क्या ये क्या कर रहा है. आई रादर टॉक टू देम अबाउट टॉपिक्स लाइक टिंडर और इफ आई हैव दोस जोक्स अबाउट डेटिंग, अबाउट एनीथिंग, व्हाट हैपेंड व्हेन आई वेंट टू स्कूल, ऐसा होता था. तो यू नो दे'ल एंजॉय दैट मोर रादर देन कॉमेडियन कमिंग एंड डूइंग यू नो 1 आवर ऑफ मैरिज जोक्स और मदर जोक्स व्हिच दे जस्ट कैन नॉट रिलेट. सिमिलरली अगर ओल्डर ऑडियंस है, if I talk to them about young tissue, they will not understand it, they will not get it, because comedy is very subjective. Aapko unke sath relate hona chahiye, you have to relate to the audience. Very true. Tabhi you will take them for 1 or 2 hours of a journey of giving, telling them stories. Hum social media ke age mein jee rahe hain. Ji. Aapko kya lagta hai, social media ne ek comic ko logo tak pahunchane ke liye ya usse connect karne ke liye koi role play kiya hai? Very big role, extremely big role. Other because aajkal kya hai, jo bacche hain koi newspaper padhta nahi hai. टीवी तो हम भी नहीं देखते हैं, टीवी देखना बंद कर दिया, इट्स बिकम सो टॉक्सिक. तो एवरीबॉडी ऑफ अस इज ऑन अ फोन, ऑन अ सोशल मीडिया. एंड सोशल मीडिया हैज बिकम द कैटलिस्ट फॉर लॉट ऑफ कॉमेडियंस हु आर अनडिस्कवरेबल. थैंक्स टू सोशल सोशल मीडिया पीपल हैव डिस्कवर्ड देम, लाइक देम, स्टार्टेड फॉलोइंग देम. एंड सोशल मीडिया इज अ इंपॉर्टेंट टूल फॉर अस, यू नो. कभी ऐसा होता है कि आप स्टेज पर हैं और जो क्राउड है वो आपकी किसी बात से नाराज हो गया या उसे पसंद नहीं आई, तब क्या होता है?
तब कुछ नहीं होता, यू बॉम्ब, गो होम एंड स्लीप. या बट ऑल कॉमेडियंस सबके साथ वो हुआ है, वेयर यू दैट वर्ड इज कॉल्ड बॉम्बिंग ऑन स्टेज, वेयर पीपल डोंट लाफ, दैट्स ओके, इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ कॉमेडियंस, बिगेस्ट ऑफ कॉमेडियंस, एंड दिस हैपेंड टू मी इन द पास्ट. इट कुड बी वैरायटी ऑफ रीजंस, इट कुड बी सो मेनी रीजंस यू डोंट समटाइम्स, जो आपके कंट्रोल में नहीं है. मैं एक टाइम एक शो पे गया था, इट वॉज इन ऑडिटोरियम इन मुंबई, और उसके जो टॉयलेट्स थे, इट वॉज लाइक अ गवर्नमेंट ऑडिटोरियम था, द टॉयलेट्स वर नॉट क्लीन, स्पेशली द वुमेन्स टॉयलेट्स, यू नो, दे वर लाइक अपेरेंटली फिल्दी. So, when I went up on stage, and I would say 50% of my audience was women, and they were like hating me, because they don't look at कौन है organizer या auditorium किसका है या क्या, they look at you कि आपका show है, you should have ensured that the toilets were clean. I got so much hate mail that a lot of us missed the show because we were standing in the queue, because the toilets were filthy, there was only one toilet. So it could be a variety of reasons, the entire experience of person coming in. But आजकल क्या है ना, we Indians are traveling around the world, we are exposed to the best of the best, हमको कोई भी shoddy quality नहीं चलेगी अभी, और social media के जमाने में तो बिल्कुल नहीं. तो you have to see that every show has to be good, the lighting has to be proper, the sound has to be proper. Sometimes, like for example, हम जब sound, just simple example, अगर आप देखें कोई भी comedian को, वो mic जो होता है, we take a very simple mic, जो cord के साथ होता है. Sometimes they give us this corded mic, जिसकी middle of the show battery खत्म हो जाएगी, और antenna pickup नहीं होता, you are hearing three my words, पांच word आपको सुनाई नहीं दे रहे हैं. So sometimes technical challenges where you could not like the audience. Sometimes the lighting is so important in a thing. The lighting, for example, has to be dark in the audience area, only lit on the stage. Because अगर बहुत ज़्यादा light होती है ना, तो जब भी मैं आप joke मारूंगा, अगर आप अपने सास ससुर के साथ बैठे हो या अपने husband के साथ बैठे हो, every time I make a joke, आप उनको देखिए वो हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं. So the lighting should be so dark that you are only focused there, not looking here and there. A lot of these things, it's very technical. आपको बहुत simple लगता है comedian stage पे जाके हंसा रहा है, बहुत easy है, but बहुत के पीछे काफी एक science आती है, और एक it requires, you know, a proper setting in the stage. जी, एक बहुत straight सवाल पूछते हो आपसे. हाल ही में Big Boss के winner का announcement हुआ, मुनव्वर फारूकी जो हैं, जो एक comic भी हैं, जो इंदौर में काफी प्रसिद्ध थे. हाँ जी, हाँ, यहाँ पर उन्हें हवा भी खाई थी. तो उनका जब नाम अनाउंस हुआ, तो थोड़ी देर में एक विरोध भी शुरू हुआ. वो तो होना ही है मैम जी. हाँ. तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं. ट्रोल्स को, ये जो ट्रोल्स बोलते हैं, जी, फेसलेस नेमलेस पीपल हु आर जस्ट ट्रोलिंग फॉर द सेक ऑफ, इवन आई गेट ट्रोल्ड सो ऑफन, यू टू इग्नोर देम. पर कहीं ना कहीं ये एक परसेंटेज ऑफ पीपल वो हैं जो कि इस तरह की चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, या बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल भी टॉलरेंस उनके दिमाग में नहीं है. जी. तो जो ये सिनेरियो है, इसे आप हेल्दी मानते हैं? हेल्दी एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज नो वे हेल्दी, यू नो, वंस जब ये आप उसकी शिकार हो गए, आपको लगेगा इतना टॉक्सिक है, बिकॉज दे डोंट स्टॉप एट दैट, दे विल गो टू योर मदर, योर फादर, योर चाइल्ड, दे विल गो everywhere and they will attack you, you know. So and again, it is sometimes a coordinated effort hota hai, but sometimes it is, you know, it's sometimes it's just the flavor of the day. Wo din mein trend hoga, next day log bhul jayenge, kuch naya aa jayega. जैसे अभी अंबानी इसकी वेडिंग चल रही है, अभी आज पूरा ट्विटर और सब उस पर ट्रेंड है, मंडे को सब भूल जाएंगे, तो नया टॉपिक आ जाएगा, यू नो. वैसे तो कॉमेडी करना एक बहुत लाइट हार्टेड काम है, लेकिन ये बहुत मेहनत मांगता है. जी. तो जब आप इस क्राफ्ट को कर रहे होते हैं, जी, तब तैयारी कैसे होती है, कहाँ से इंस्पिरेशन आती है? सो इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम एवरीवेयर. कॉमेडियन हैज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, क्या होना चाहिए, बिकॉज पीपल आर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग टुडे. सो दैट्स नंबर वन. नंबर टू, वी आर ऑब्जर्वेंट, वी सी दोज थिंग्स जो आप नहीं देखते हो, दैट्स वे वी नो, हम इतना डेप्थ में जाते हैं. आप बोलोगे यार मैं भी एयरलाइन में रोज ट्रैवल करती हूँ, ये भी ट्रैवल, इसको कैसे, इसको कहाँ से 100 जोक्स मिले वहाँ से, बिकॉज वी आर, वी लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सो और इसमें काफ़ी तैयारी होती है, क्योंकि आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया का जमाना है. अभी जैसे अंबानी की शादी, वी आर जस्ट डिस्कसिंग टुडे, बाय द वे हैपेंस विद द वेडिंग्स हैव स्टार्टेड टुडे, उसी पे कुछ, अभी शाम तक आपको 100 जोक्स आ जाएंगी आपके व्हाट्सएप पे, यू नो, एंड फनी जोक्स, वेरी फनी जोक्स रिटन बाय रैंडम पीपल, सम रिटन बाय अस आल्सो, वो आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी. जब मैं अभी स्टेज पे जाऊँ, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द सेम टॉपिक, माय जोक्स हैव टू राइज ओवर दैट. ये तो आपको ये तो सुन लिया है व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप के जोक्स कर रहा है. सो इट्स मेड अ डिफिकल्ट ऑफ राइटिंग प्रोसेस मोर डिफिकल्ट, नंबर वन. नंबर टू, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर रिस्ट्रिक्शंस कॉमेडियंस मे हैव टुडे.
बट इट हैज मेड अ राइटिंग मोर चैलेंजिंग, कि वो जो है ना आपने बात सुनी है क्या सांप भी मरे लेकिन लाठी भी ना टूटे, हाँ तो आप जोक्स ऐसे कन्वेंट करो क्या लोग समझ जाए आप किसके बारे में बात करो लेकिन आपने टेक्निकली नाम लिया ही नहीं है। जी जी, आप लोगों को हंसाते हैं, हम भी आपके जोक्स पे बहुत खुश हो लेते हैं, खूब ठहाके लगा लेते हैं। मैं कुछ नाम आपको बताती हूँ जिन्हें आपको हंसाना है। मुझे हंसाना है? आपको हंसाना है, वो आपके सामने आपकी ऑडियंस में है। जया बच्चन जी को आपको हंसाना है? वो तो नहीं हंसेंगे कभी, उन्होंने हंसी भूल गए वो। ओके, लालू यादव जी को आपको हंसाना है? वो तो खुद इतने फनी, वो हमको हंसाते हम उनको क्या हंसेंगे। कंगना रनौत? वो भी आई थिंक वो हंसनी है, पता नहीं क्या थोड़े वो अभी बह गई है तो वापस आना है उनको वापस। जी, राहुल गांधी? ही इज आल्सो आई क्या बोलता है, आई अप्रिशिएट फॉर व्हाट ही इज डूइंग। अब देखो वो क्या बोलते हैं ना, टर्टल में एक स्लो एंड स्टडी रेस होता है, नॉट दैट आई एम पॉलिटिकली एफिलिएटेड टू कांग्रेस और एनीथिंग, बट आई थिंक he has got something to it, you know. और आज अगर हम देखें तो हर चीज मोदी जी से प्रभावित है, हाँ जी. तो कॉमेडी कैसे ना हो, तो फिर मोदी जी को कैसे हंसाएंगे? आई थिंक मोदी जी पर्सनली क्या है ना, जो मोदी, आई जनरली बिलीव मोदी जी इज अ वेरी फनी पर्सन, ही सीन लाइफ, ही इज, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, लेकिन जो मोदी जी के भक्त है ना वो अगर बाहर उनसे निकले ना तब मोदी जी हंसेंगे तो उनको भक्तों से थोड़ा दूर करना है, बिकॉज़ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। जी सर, ह्यूमर के साथ साथ जो आपका इंसाइट मैं देख पाई हूँ इन सवालों के माध्यम से, मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई। अतुल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।